दोस्तों जितने भी पशुपालक भाई हैं, डेयरी फार्मर हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनके यहाँ जो पशु है उनसे हमेशा ही उन्हें अच्छा दूध मिलता रहे, अच्छा घी मिलता रहे और अच्छे प्रॉफिट में वो हमेशा ही रहे। लेकिन एक बात जिसे वो पीछे छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज मैं ऐसी एक 3 ml मेडिसिन की बात करूँगा, अगर वो आपने नहीं दिलवाई तो समझ लीजिए कि आप प्रॉफिट की कल्पना कीजिए ही मत। पिछले ही दिनों से लगातार मैं देखता आ रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर भयंकर समस्या हो रखी है। किसकी हो रखी है? बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर FMD की समस्या हो रखी है। पिछले सर्दी में भी हुई थी, अभी तक चल रही है। हालत ख़राब है उन पशुओं की बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जिनके आ रहे हैं कि सर HS की समस्या है और कई गाँव में तो बहुत ज़्यादा मौतें भी हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन आपके पशुओं के साथ ईश्वर ना करे कभी भी हो, तो उसके लिए आप क्या करें? पहले से ही ये तीन एमएल दवा, ओनली 3 ml दवा आपको ये लगवानी है, जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवेक। इसका नाम आप अपने छाप लीजिए जहां भी छापना चाहते हैं, रक्षा ट्रायोवेक। ये एक प्रकार की वैक्सीन है और ये वैक्सीन 3 बीमारियों से हमारी गाय भैंसों को बचाएगी। और तीनों बीमारियां ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जब भी आ जाएगी ना हालत ख़राब कर देगी। जिनमें से प्रथम और प्रमुख बीमारी है वो है खुरपका मुंहपका बीमारी, यानी कि FMD। भाई FMD बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन इसको रोकेगा कौन? ये मात्र 3 ml दवा। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कब लगानी है कब नहीं लगानी। इसके बाद सेकेंड हम बात करें तो वो बीमारी है गलघोंटू, जिसे हम हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या HS कहते हैं। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये भी जब आ जाती है तो गले में सूजन आती है और पशुओं की मौत हो जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बीमारी है वो है लंगड़ा बुखार, जिसको ब्लैक क्वार्टर या BQ बोलते हैं। ये तीनों बीमारियां बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। HS और BQ में तो मौतें भी बहुत ही ज़्यादा होती है, मेनली भैंसों में HS से और गायों में BQ की वजह से होती है। और FMD जब भी आती है आप सभी को पता है पशुओं को जर्जर कर देती है, पूरी प्रोडक्टिविटी, पूरा प्रोडक्शन, दूध घी सब चला जाता है और जो गाभिन होती है वो बच्चा भी गिरा देती है। इसीलिए मात्र ये 3 ml दवा इन 3 बीमारियों को कंप्लीट आने ही नहीं देगी। आपको बताया जब भी आ जाती है ना बीमारी, उसके बाद उसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में हमें नुकसान हो ही जाता है। तो क्यों ना आने से पहले ही उपाय कर लिया जाए और पहले ही इस टीके को अगर आपने इस्तेमाल करवा लिया, 3 ml लगवाना होता है, नेक रीजन पर लगवाना होता है, डीप इंट्रा मस्कुलर, यानी कि यहाँ जो मांस है उस मांस में डीप इंट्रा मस्कुलर इसको लगवाना होता है। अगर ये आप साल में दो बार लगवा लेते हैं तो भाई आपके फार्म पर तो बीमारी इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोई सी भी तीनों में से एक भी नहीं आएगी। तो ये आप काम जरूर करवा लें। ये 3 ml दवा बहुत ज़्यादा कमाल की है और इसका इस्तेमाल आपको करवाना है, लेकिन दवा भी सही होनी चाहिए, अवधि पार नहीं होनी चाहिए और इसका जो कोल्ड चेन मेंटेनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी ये हमेशा ही बर्फ़ में, यानी कि हमेशा ही ये फ्रीज में ही रखी जाती है। ना तो इसको जमाया जाता है और ना ही इसको बाहर रखा जाता है, यानी 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो पैमाना है उसी में रहनी चाहिए। जब भी आप अपने फार्म पर भी लाएँ तो उस समय भी जो वैक्सीनेशन कैरियर आता है, वैक्सीन कैरियर जिसे बोलते हैं, जिसमें कि आइस पैक रहते हैं, उसी में लेके आना रहता है। ऐसा नहीं हो कि अगर आपने 10 से 15 मिनट ही इसे बर्फ से बाहर रख दिया, इसे आइस बॉक्स से बाहर रख दिया तो भाई वो खराब हो जाएगी। इसीलिए पूरा ध्यान रखना है और अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की मदद से हर 6 महीने बाद, सरकार बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाती है, उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, उनमें भी वैक्सीनेशन होता है, तो वो तो आपको करवाना ही करवाना है। बाकी अगर आप अपने स्तर पर करवाना चाहते हैं तो भाई ये भी पशु चिकित्सक को बुला करके आप लगवा लीजिए। मात्र 3 ml लगानी है, फिर 6 महीने बाद फिर से 3 ml लगानी है। इस क्रम को बंद मत कीजिए। कई भाई सोचते हैं मेरे फार्म पर तो आज तक बीमारी नहीं आई, आज तक नहीं आई, होने को कौन टाल सकता है? जब भी हम गाड़ी लेके निकलते हैं क्या उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं? अपना भी इंश्योरेंस करवाते हैं। होता कुछ नहीं है लेकिन हो जाए क्या पता, है ना? तो ये इंसिडेंट्स जब हो जाते हैं ना, और अब की बार इन सालों में तो भाई हो ही रहे हैं,
बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स जो है वो इनसे परेशान हो रहे हैं। तो ये एक टीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आगे बारिश का मौसम आने वाला है तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि बारिश के मौसम से पहले एक बार ये टीका ज़रूर लगवा लीजिए, उसके बाद आगे 6 महीने बाद। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बना रखे हैं 2-3, तो भाई किरण भाई वो वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी लोग देख सके कि FMD वैक्सीन को कब कैसे लगाना, कब कैसे नहीं लगाना, कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज डेयरी फार्मिंग की लेना चाहते हैं तो भाई हर महीने की 5 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और वहां जाकर के और आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके आगे की क्लास की कंप्लीट प्रक्रिया जान सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।